मदन मोहन कमाल के संगीतकार थे। गजलों की धुन बनाने में उनका कोई जवाब नहीं था। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। उन्होंने जिन गजलों की धुन बनाई वो आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद में सबसे ऊपर है। ये ख्वाहिश, ये ख्यालात किसे पेश करूं। उन्होंने देशभक्ति वाले गीत में ऐसा म्यूजिक दिया कि आज भी कोई राष्ट्रीय त्योहार इन गीतों के बगैर पूरा नहीं होता। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन ऐसे महान संगीतकार पर भी एक बार किसी के संगीत की नकल करने का आरोप लगा था और उन्हें फटकारा भी गया था। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। क्या था ये किस्सा, यही देखिए आज के इस खास एपिसोड में। '52 में एक फिल्म आई थी संग दिल। इस फिल्म का ये गीत सुनिए। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार। अब 1958 में रिलीज होने वाले फिल्म आखिरी दाव का ये गाना भी सुनिए। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। दोनों धुनें आपको एक जैसी नहीं लग रही? इन दोनों गानों में 6 साल का फर्क है। इसका साफ मतलब है कि बाद वाले गाने के संगीतकार ने पहले वाले संगीतकार की नकल की। ये हवा, ये रात, ये चांद, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। 1952 में रिलीज होने वाली संग दिल का म्यूजिक सज्जाद हुसैन ने दिया था और आखिरी दाव का मदन मोहन ने। इस पर सज्जाद हुसैन ने मदन मोहन को सार्वजनिक रूप से फटकार लगा दी थी, लेकिन मदन मोहन ने अपने जवाब से सज्जाद हुसैन को लाजवाब कर दिया। ये किस्सा आगे बताएंगे, लेकिन पहले कुछ बातें मदन मोहन के संगीत के सफर के बारे में कर लेते हैं। मदन मोहन गजब के शख्सियत थे। वो पैदा इराक में हुए, बड़े मुंबई के फिल्म स्टूडियो में हुए, फिर फौज में चले गए, सीमाओं पर दुश्मन से जंग लड़े और फिर रेडियो में संगीत देने लगे और एक दिन फिल्मों में आ गए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा। उन्हें अपने संगीत से धूम मचा दी। वो अपने मधुर संगीत से आज भी लाखों करोड़ों दिलों में बसते हैं। उनके संगीत से सजे गाने जब भी बजते हैं तो तन मन झूम उठता है। उन्होंने हर तरह का संगीत दिया, रूमानी, सूफी, देसी, मॉडर्न और वेस्ट। यहाँ तक कि उन्होंने मिडिल ईस्ट का संगीत भी रचा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। लैला मजनू फिल्म में आपको इराक ईरान के संगीत का नजारा दिखता है। इस फिल्म में उनकी धुनों से बुजुर्गों को जवानी के दिन याद आ जाते हैं। तो युवाओं के मन से तरेंगे फूटने लगती हैं। मदन मोहन का संगीत बिल्कुल मौलिक था। उन्होंने जिस गाने की धुन 2 मिनट में बना दी थी उससे संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो मदन मोहन की इस धुन के बदले अपने संगीत का सारा खजाना भी लुटा सकते हैं। संगीतकार मदन मोहन की पहली कामयाब फिल्म 1950 में रिलीज हुई आंखें। इसके बाद 1975 तक यानी 25 साल उनकी धुनें दर्शकों को पसंद आती रहीं। इतना ही नहीं, उनकी मौत के 29 साल बाद एक फिल्म रिलीज हुई थी वीर जारा। इसमें भी मदन मोहन की बनाई हुई धुनों का इस्तेमाल किया गया था। वैसे तो मदन मोहन ने हर तरह का संगीत दिया, लेकिन उनकी धुनों से सजी गजलों ने पूरी दुनिया में वाहवाही हासिल की। अपनी सुना, आप क्यों रोए।
1952 में एक फिल्म आई थी संगदिल। संगदिल में जहां दिलीप कुमार की कमाल की एक्टिंग ने धूम मचाई थी, तो इस फिल्म के गीत भी खूब लोकप्रिय हुए थे। इस फिल्म के संगीतकार सज्जाद हुसैन थे, जो हिंदी फिल्मों में बेहद कठिन धुनें बनाने के लिए मशहूर थे और निहायत सनकी, शक्की और गुस्सैल स्वभाव के इंसान थे। वो किसी को भी डांट सकते थे, चाहे सामने कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो। संगदिल फिल्म में उन्होंने ये गाना तलत महमूद ने गवाया था। फिर इसी धुन पर 1958 में मदन मोहन साहब ने एक गीत बनाया था, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। जब सज्जाद हुसैन ने ये धुन सुनी तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। संयोग से कुछ दिन बाद एक कंसर्ट में उन्होंने मदन मोहन को देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो मदन मोहन को देखकर चिल्लाने लगे कि आजकल तो परछाइयां भी घूमने फिरने लगी हैं। मदन मोहन उनका ताना समझ गए, लेकिन मदन मोहन को भी पता था कि एक ना एक दिन उन्हें सज्जाद साहब के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो वो तुरंत बोले, हुसैन साहब, मुझे तो आपसे बेहतर कोई संगीतकार मिला ही नहीं जिसकी मैं नकल कर सकूं। ये जवाब सुनकर सज्जाद हुसैन पहली बार लाजवाब हो गए। दिल मुझे बता दे, तू किस पे आ गया।